की बात है। एक छोटे से गांव में एक खुशी नाम की लड़की और एक जिया नाम की लड़की रहती थी। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थी। गर्मी की दोपहर थी, एक दिन सारे दोस्त मिलकर खेल रहे थे कि गांव में एक आइसक्रीम से भरी ट्रक आई। सभी बच्चे बहुत खुश हो गए और सभी ने आइसक्रीम से भरी ट्रक की ओर दौड़ लगाई। आइसक्रीम वाले अंकल के पास बहुत ही टेस्टी और अच्छी अच्छी आइसक्रीम थी। यो देख सभी बच्चों के मुंह में पानी आ गया, मानो सभी आइसक्रीम नृत्य कर रहे थे। सभी बच्चे अपनी मनपसंद आइसक्रीम पाकर बहुत खुश थे और सभी अपनी आइसक्रीम खाने लगे। आइसक्रीम खाते खाते जिया की आइसक्रीम नीचे गिर गई और जिया रोने लगी। उतने में खुशी उसके पास आई और उसने कहा, मत रो जिया, तुम्हारी आइसक्रीम गिर गई तो क्या हुआ, मेरी आइसक्रीम है ना, मैं तुम्हें अपनी आइसक्रीम शेयर करूंगी। और खुशी ने अपनी आइसक्रीम जिया को दी। ये सब आइसक्रीम सेलर दूर देख रहा था। ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगा क्योंकि खुशी ने आइसक्रीम को महत्व न देकर अपनी दोस्ती को महत्व दिया। इसमें उसकी अच्छाई की भावना थी। आइसक्रीम सेलर ने दोनों को फिर से दो आइसक्रीम फ्री में दी। दोनों बहुत ही खुश थे। इस कहानी का मनोबल है, हमेशा चीजें अपने दोस्तों से शेयर करें और अच्छाई की भावना रखें। ऐसे ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल किड्स जॉय को सब्सक्राइब करें और हमारे प्यारे कहानी के लिए प्यारे से कमेंट करें और एक लाइक तो बनता है।